हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस एथिक्स में एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैंट्स डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है और उस पर क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो अपन कवर कर लेते हैं। इमैनुअल कैंट पूरा नाम था इनका, इन्होंने डियोंटोलॉजिकल थ्योरी दिया था। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी ये टर्म कहाँ से आया वो पहले समझ लेते हैं। द टर्म डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से आया है डियोन, जिसका मतलब होता था ड्यूटी। अब इसको प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मैं डियोंटोलॉजी बोल रहा हूँ। द थ्योरी ऑफ डियोंटोलॉजी स्टेट्स वी आर मॉरली ऑब्लिगेटेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। यही एक जस्ट है, पूरे कहानी का ये वाला लाइन आप समझ लिए तो पूरी थ्योरी समझ गए। ये थ्योरी क्या कह रही है, आपके ऊपर एक मॉरली ड्यूटी है, मॉरली बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आपको उसी हिसाब से चलना है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो आपको सही रिजल्ट देगा या गलत रिजल्ट देगा। आपके ऊपर मॉरल बाइंडिंग है, आपको वही उसी तरीके से बिहेव करना है। यानी फॉर एग्जांपल सच बोलना, ये मॉरली माना जाता है सही है कि इंसान ने कोई भी सिचुएशन हो सच कहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज से ट्रू फैक्ट्स। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आप थोड़ा सा झूठ बोलते तो सामने वाले को दुख ना हो, है ना। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ही इज अबाउट टू डाई और ही माइट डाई बट स्टिल पॉजिटिव नोट पे वो ऑपरेशन कर रहा है, तो डॉक्टर से उसने पूछा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने सच कह दिया कि या आप तो मरने वाले, बस ये आखिरी है, देख लो एक बार ऑपरेशन कर, जिंदा रहे नहीं रहे नहीं, वो तो ऐसे ही उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे है ना, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, डॉक्टर ने झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है, क्योंकि उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ही हैज टू से राइट थिंग, ट्रू फैक्ट्स, है ना, भले पेशेंट मरे या ना मरे। तो ये थ्योरी ऐसा कह रही है कि कॉन्सिक्वेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सही तरीके से करो, जो चीज़ मॉरली राइट है वही करो। तो देखिए, ड्यूटी बेस्ड थ्योरी भी कहा जाता है या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी कहा जाता है। डियोंटोलॉजिकल ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आर कंसर्न्ड विथ, ये थ्योरी किससे कंसर्न्ड है, व्हाट पीपल डू, लोग क्या कर रहे हैं इससे कंसर्न्ड है। यानी लोगों ने सही करना चाहिए, सही उसका रिजल्ट गलत आ रहा है, सही आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लोगों ने सही करना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी किससे कंसर्न्ड है, व्हाट पीपल डू, नॉट विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, डू द राइट थिंग, डू इट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू, सही करो इसलिए करो क्योंकि वो सही है। डोंट डू रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ें मत करो, अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग। अंडर दिस फॉर्म ऑफ एथिक्स यू कैनॉट जस्टिफाई एन एक्शन बाई शोइंग दैट इट प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रॉबिनहुड। रॉबिनहुड क्या करता था, अमीरों के यहाँ से चोरी करता था, गरीबों को बांट देता था, है ना। तो अगर रॉबिनहुड को बोला जाए भैया आप गलत कर रहे हो, तो रॉबिनहुड क्या बोलेगा, मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, मैं अमीरों से लेके गरीबों में तो बांट रहा हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट है वो तो सही है, मैं गरीबों में बांट रहा हूँ वेल्थ। तो ये थ्योरी कहती है हमको कॉन्सिक्वेंसेस से लेना देना नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस सही हो गलत हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। रॉबिनहुड चोरी कर रहा है ना, चोरी करना इट्सेल्फ इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो गलत है। सो अंडर दिस फॉर्म ऑफ एथिक्स यू कैनॉट जस्टिफाई एन एक्शन बाय शोइंग दैट इट प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंसेस। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने काम को, अपने एक्शन को, क्यों, ये कह के कि इसमें जो रिजल्ट है वो सही है, विच इज वाई इट समटाइम्स कॉल्ड नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। यानी ये थ्योरी को कई बार नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पे ये थ्योरी सही है गलत है ये डिटरमाइन नहीं कर रही है। द वर्ड डियोंटोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, वो तो मैंने बता दिया, डियोन जिसका मतलब था ड्यूटी। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स टीचेस दैट सम एक्ट्स आर राइट और रॉन्ग बिकॉज ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे आर एंड पीपल हैव अ ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंगली रिगार्डलेस ऑफ गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज दैट मे बी प्रोड्यूस। ये तो मैं कह रहा हूँ, डियोंटोलॉजिस्ट लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ मॉरल रूल्स सच एज इट इज रॉन्ग टू किल इनोसेंट पीपल, इट इज रॉन्ग टू स्टील, इट इज रॉन्ग टू टेल लाइज, इट इज राइट टू कीप प्रोमिसेस। उनका कहना ये जो मॉरली सही है वही करना चाहिए भले रिजल्ट कोई भी। समवन हु follows duty-based ethics should do the right thing. जो duty-based ethics follow करता है उन्होंने हमेशा सही करना है, even if that produce
मोर हार्म और लेस गुड देन डूइंग द रॉन्ग थिंग, भले उससे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है या कम अच्छाई हो रही है, लेकिन उन्हें वही करना चाहिए। यानी डॉक्टर ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर को मालूम है कि पेशेंट मर जाएगा और पेशेंट पूछ रहा है मैं बच जाऊँगा, तो डॉक्टर ने बोलना चाहिए कि मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप सोचिए सही है गलत है। पीपल हैव अ ड्यूटी टू डू द राइट थिंग इवन इफ प्रोड्यूसेस अ बैड रिजल्ट। इसके हिसाब से लोगों ने सही चीज करना चाहिए, राइट थिंग करना चाहिए, इवन अगर रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है या बैड रिजल्ट है। ठीक है, इफ वी कंपेयर डियोंटोलॉजिस्ट विद कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट यानी वो थ्योरी जो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे, भले आपने गलत किया लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सही है तो आपने जो किया वो सही किया, ऐसा कॉन्सिक्वेंसलिस्ट कहेंगे। डियोंटोलॉजिस्ट कहती है आपने अगर सही किया भले रिजल्ट गलत है तो भी चलेगा। ठीक है, तो इफ यू कंपेयर डियोंटोलॉजिस्ट विद कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, वी कैन सी दैट कॉन्सिक्वेंसलिस्ट बिगिन बाय कंसीडरिंग व्हाट थिंग्स आर गुड एंड आइडेंटिफाई राइट एक्शन एज द वंस दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ दोज गुड थिंग्स। अगर रिजल्ट अच्छा है तो आपने जो किया है वो सही किया, ऐसा कॉन्सिक्वेंसलिस्ट कहते हैं। डियोंटोलॉजिस्ट अगेंस्ट है ना, उसके अपोजिट है। डियोंटोलॉजिस्ट अपीयर टू डू इट द अदर वे अराउंड, वो उल्टा चलता है। दे फर्स्ट कंसिडर वॉट एक्शंस आर राइट एंड प्रोसीड फ्रॉम देयर। सो अ पर्सन इज डूइंग समथिंग गुड इफ दे आर डूइंग मॉरली राइट एक्शन। तो अगर कोई पर्सन सही काम कर रहा है ऐसे कैसे पता चलेगा, अगर वो मॉरली राइट एक्शन कर रहा है तो सही कर रहा है। रिजल्ट के बेसिस पे आप सही कर रहा है कि गलत कर रहा है आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इस पे कुछ MCQs अपन सॉल्व कर लेते हैं। थीम्स यानी आइडिया जो इम्पोर्टेंस देता है, विच एम्फसाइज जो इम्पोर्टेंस देता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच आर मॉरली राइट टू बी फॉलोड, है ना। थीम्स या आइडिया जो आपको इम्पोर्टेंस देता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करो, बिकॉज देयर इंट्रेंसिक राइटनेस, बिकॉज वो सही है। ये कौन कहता है, आर कॉल्ड वर्चुअल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, टेलियोलॉजिकल एथिक्स या एथिकल लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ऑब्वियसली डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कौन सा स्टेटमेंट है ठीक है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा जो बताएगा कि ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है। पहला, अ सेंट्रल आइडिया इज दैट द राइट और रॉन्ग कंसिडरेशन इज वॉट मेक्स द एक्ट राइट और रॉन्ग, other things being equal, ठीक है। Second, the central idea is that an adherence to the codes prescribed under the duty one is employed in makes for the right action. The central idea is that right and wrong are relative to time and circumstances. D, central idea is that right or wrong are determined by humans according to their subjective conscience. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टू डिस्क्राइब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, तो वो है ए, सेंट्रल आइडिया इज दैट राइट और रॉन्ग कंसिडरेशन इज व्हाट मेक्स द राइट एक्ट राइट और रॉन्ग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी आप सही करें, है ना, द सेंट्रल आइडिया डियोंटोलॉजिकल क्या है, राइट और रॉन्ग कंसिडरेशन इज व्हाट मेक्स द एक्ट राइट एंड रॉन्ग। आपने सही किया है तो काम माना जाएगा कि सही किया होगा, आपने मॉरली राइट किया है तो रिजल्ट कुछ भी हो सही माना जाता है। Which of the following is not an implication of Kant's categorical imperative? ठीक है, कैंट के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। वन मस्ट एक्ट टू ट्रीट एवरी पर्सन एज एन एंड एंड नेवर एज अ मीन, है ना। वन मस्ट एक्ट टू ट्रीट एवरी पर्सन एज अ एंड, लोगों को एज अ एंड माना जाए ना ही एज अ मीन। अवर मॉरल जजमेंट्स शुड रेस्ट ऑन रीजंस दैट अप्लाई टू ऑल अदर पर्सन्स हु आर सिमिलर सिचुएशन। हमारा जो मॉरल जजमेंट है उसमें कोई भी हो, जो हमने डिसीजन लिया उस सिचुएशन में कोई भी हो सभी वही लेंगे। ह्यूमंस कैन नॉट मॉरली बी ट्रीटेड एज रिसर्च सब्जेक्ट बिकॉज दिस ट्रीट देम एज अ मीन्स रेदर देन ओनली एज अ एंड। ह्यूमंस कैन नॉट बी मॉरली बी ट्रीटेड एज अ रिसर्च सब्जेक्ट, ह्यूमंस को रिसर्च सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज दिस ट्रीट्स देम एज अ मीन्स रेदर देन एंड एज अ एंड। ठीक है, आई ऑट नेवर डी ऑट नेवर टू एक्ट एक्सेप्ट इन सच अ वे that I can also will, ठीक है, that my maxim become an universal law। इसमें से कौन सा, ये D तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा। तो है C, humans cannot morally be treated as a research subject, humans को आप ये research subject नहीं treat कर सकते because this treats them as a means rather than as a means। तो ये थोड़ा difficult हो गया, ऐसे तो नहीं आएंगे, हाँ ये आ सकता है।
अकॉर्डिंग टू विच मॉरल थियरी डज द मॉरल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एक्शन डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रूल ऑफ कंडक्ट ऑन विच द पर्सन इज एक्टिव. तो ये कौन सा थियरी, अकॉर्डिंग टू विच मॉरल थियरी डज द मॉरल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल एक्शन डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रूल ऑफ कंडक्ट. मॉरल यानी जो चीज मॉरली जो चीज एक्सेप्टेबल है वही करना चाहिए. ऐसी कौन सी थ्योरी कहती है, यूटिलिटेरियनिज्म, कैंटनिज्म, राइट्स थ्योरी, वर्चुअल थ्योरी और ऑल ऑफ द अबव. तो ये कहती है ऑब्वियसली कैंटनिज्म है ना, इमैनुअल कैंट तो कैंटनिज्म बना दिया. ठीक है, तो ये ड्यूटोलॉजिकल भी कहलाता है, कैंटनिज्म भी कहलाता है. तो ये हुआ गाइस आपका एक छोटे से समय में, कम समय मैंने आपको ड्यूटोलॉजिकल थ्योरी समझाया, उसके दो तीन MCQs लिए. ठीक है, आई होप आपको समझा होगा. मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए और ये आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके. थैंक यू गाइस. नेक्स्ट वीडियो अगर आपको सही समय पे पता चल जाए, मिले, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए.